हेलो फ्रेंड, तो एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस न्यू वीडियो में। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि एक सर्टिफिकेट या फिर एक प्रमाण पत्र हम एमएस वर्ड में कैसे बनाते हैं। तो एमएस वर्ड में सर्टिफिकेट बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें चलना है अपने एमएस वर्ड में। सो एमएस वर्ड को खोलने के लिए हमें स्टार्ट मेन्यू जो होता है इस पर हमें क्लिक करना है और फिर हमें यहाँ पर सर्च कर देना है एमएस वर्ड, या फिर ओनली वर्ड भी लिख देंगे तब भी आ जाएगा। यहाँ पर हमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में क्लिक कर देना है। यहाँ पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारा एमएस वर्ड खुल कर के हमारे सामने आ जाता है। हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि जो पेज का जो लेआउट होगा या फिर जो पेज का मोड है इसे हमें चेंज करना होगा। सो पेज लेआउट में हम जा कर के ओरिएंटेशन चेंज कर देंगे इसका। ओरिएंटेशन कहाँ से खोलेंगे, सबसे पहले हमें जाना होगा पेज लेआउट पर। पेज लेआउट पर जाने के बाद हम देखते हैं यहाँ पर कि पेज ओरिएंटेशन हमें मिल जाता है। ओरिएंटेशन में क्लिक करने के बाद लैंडस्केप में क्लिक कर देना है, यानी कि लैंडस्केप में हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो पेपर हमारा इस तरह से लैंडस्केप मोड में आ जाता है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, पेपर हमारा जो इस तरह से छोटा दिख रहा है तो फुल स्क्रीन पर अब आने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर जूम को थोड़ा सा बढ़ा लेना है। अब जूम को बढ़ाने के लिए क्या करना है, या तो हम यहाँ प्लस में क्लिक करेंगे इस तरह से, या फिर कंट्रोल के साथ में माउस का जो स्क्रॉल की होगा उसको क्या करना है, घुमाना है हमें। तो कंट्रोल दबाएंगे और फिर इसको हम जैसे ही घुमाते हैं तो इस तरह से जूम प्लस हो जाता है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम जैसा कि हमने शुरुआत में बताया आपको, हम एक सर्टिफिकेट बनाने जा रहे हैं। तो सर्टिफिकेट बनाने के लिए हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप, आगे सीखना है अगर तो बने रहिए साथ में और बाकी एक एक स्टेप करके हम सीखते रहेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने जो हमने पेज लिया है इस पेज पर फॉन्ट हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि जो भी हम फॉन्ट लिखें उसमें बड़े लिखें। जैसे कि अभी फॉन्ट साइज़ जो था 10 था, यहाँ पर हमने इसको क्या किया 20 कर दिया। हालांकि हमें साइज़ और बड़ा लगेगा लेकिन हम बाद में उसको एडजस्ट कर देंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पर, सबसे पहले हम जाएंगे पेज लेआउट के अंदर। पेज लेआउट में हमें क्या करना है, पेज में एक बॉर्डर देना है। सो बॉर्डर के लिए हमें क्या करना है, पेज लेआउट के अंदर हम पेज बैकग्राउंड, जो पेज बैकग्राउंड वाला ऑप्शन है इस ऑप्शन के अंदर नीचे मिल जाता है पेज बॉर्डर। सो पेज बॉर्डर पर हम क्लिक कर देते हैं। पेज बॉर्डर पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं सो यहाँ पर जो बॉर्डर एंड शेडिंग एक डायलॉग बॉक्स खुल कर के आ जाता है। इसमें हमें सेटिंग में क्या करना है, इधर सेटिंग में जो नॉन सेलेक्ट रहता है यहाँ से हमें बॉक्स में क्लिक कर देना है। बॉक्स में हम जैसे ही क्लिक करते हैं सो यहाँ पर जब आप प्रीव्यू में देख रहे हैं तो यहाँ पे एक बॉक्स बन के आ जाता है। हालांकि जब यहाँ पे नॉन में क्लिक था तब यहाँ पे कोई बॉक्स नहीं बना हुआ था। यहाँ देखिए, जब हमने बॉक्स में क्लिक किया तो एक बॉक्स बन करके आ गया। और यहाँ से जो लाइन का स्टाइल होगा हमें कुछ अपने जो सर्टिफिकेट के हिसाब से ही सिलेक्ट करना है। जैसे हम इस वाले को सिलेक्ट कर लें और यहाँ पर कलर हम क्या करते हैं, एक कोई कलर सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कलर हमने मान लो रेड कलर, इस कलर को क्या किया सिलेक्ट कर दिया और यहाँ से हमें ओके कर देना है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे बॉर्डर लग चुका है। सो बॉर्डर लग चुका है, ये हमारा पेज रहेगा। अब हमें क्या करना है, इसमें जो कॉर्नर साइड में, या तो इस वाले में या फिर इसमें, या यहाँ, मतलब चार कोने में से दो कोने पर हमें डिज़ाइन बनानी है। सो डिज़ाइन बनाने के लिए हमें इंसर्ट पर जाना होगा और इंसर्ट में जाने के बाद शेप्स पर हमें क्या करना है, जो ये ट्राइंगल को क्रिएट करना है हमें। यहाँ पर यहाँ क्या करेंगे, हम इसको बना लेंगे। अब यहाँ पर हम इसको कुछ ऐसे ही बना देंगे अभी हम इसको, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, रोटेट करना पड़ेगा। सो जब हम इसको रोटेट करते हैं सो यहाँ पर जो ऊपर जो पॉइंट दिया रहता है, जो ग्रीन वाला पॉइंट है, इस पॉइंट को पकड़ के हमें इस तरह से इसको क्या कराना है, रोटेट करा लेना है। अब रोटेट कराने के बाद हमें इसको कॉर्नर पर रख देना है। कॉर्नर पर हम जैसे ही रखेंगे अब इसको यहाँ से पकड़ करके क्या करना है, थोड़ा अंदर की तरफ हम जैसे ही करेंगे तो ये खुद ब खुद एडजस्ट हो जाएगा। अब ये एडजस्ट हो गया है, इसके एडजस्ट होने के बाद हमें क्या करना, थोड़ा इस साइड में अंदर की तरफ ऐसे जो एरो की रहती है, एरो की से खिसका देना है। अब यहाँ पर हमें इसमें जो भी कलर देना होगा हम यहाँ से क्या करेंगे, कलर दे देंगे। जैसे हमने
यहाँ से कलर, मान लो यहाँ से जैसे कोई कलर ठीक अगर नहीं लग रहा है तो हमें क्या करना है, मोर फिल कलर में क्लिक करना है। मोर फिल कलर्स में हम जैसे ही क्लिक करेंगे सो यहाँ से हम चले जाते हैं यहाँ जो कलर्स स्टैंडर्ड टूल बार और एक मिल जाएगा कस्टम टूल बार। सो हमें स्टैंडर्ड टूल बार से ही कोई भी एक कलर सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे कलर सेलेक्ट करने के बाद में हम ओके कर देते हैं। अब एक कॉर्नर जो था, एक कॉर्नर में हम डिज़ाइन बना चुके हैं, लेकिन यहाँ पर जब आप देख रहे हैं तो इसमें जो आउटलाइन इसकी ब्लैक है, अगर हम चाहें तो आउटलाइन को हटा भी सकते हैं। आउटलाइन को हटाने के लिए यहाँ पर आप देख रहे हैं इधर ये शेप आउटलाइन वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है और इसमें क्लिक करने के बाद नो आउटलाइन में क्लिक कर देना है। नो आउटलाइन में हम जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ पर इसकी आउटलाइन चली जाती है। आउटलाइन जाने के बाद हमें क्या करना है, इसी का एक कॉपी करना है। अब कॉपी करने के लिए या तो हम कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे और कंट्रोल वी से पेस्ट कर देंगे, या फिर क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ में हमें माउस का जो लेफ्ट क्लिक होता है या फिर जो लेफ्ट की होता है उससे क्या करना, इसको पकड़ के उठाकर दूसरी जगह छोड़ देना है। ये एक कॉपी हो जाती है इस तरह से। यहाँ पे इसकी कॉपी करने के बाद हमें क्या करना है, इसको इस वाले कॉर्नर पर रख देना है। अब इस कॉर्नर पर हम जैसे ही इसको रखते हैं तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको इस कॉर्नर में सेट कर देना है। इस कॉर्नर पर सेट करने के लिए जैसा शुरुआत में बताया था जो एरो की है, इस एरो की मदद से हम इसको सेट कर लेते हैं। अब एरो की मदद से सेट कर दिया हमने। अब यहाँ पर हम इतना काम अपना कर चुके हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कि जो भी आपके इंस्टीट्यूट का लोगो हो तो उस लोगो को तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर बना लेना है। सो यहाँ पर हम क्या करते हैं, कोई भी एक फ़ोटो ले लेते हैं इसी से। जैसे क्लिप आर्ट के अंदर कुछ फ़ोटो डली रहती हैं, इसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कंपनी की तरफ से क्लिप आर्ट के अंदर काफ़ी सारा डाटा रहता है सेव। सो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर वो नाम लिख करके हमें गो में क्लिक कर देना। जैसे कंप्यूटर से रिलेटेड, अगर हम कंप्यूटर नाम लिख करके यहाँ पर गो में जैसे ही क्लिक करते हैं तो काफ़ी सारी फ़ोटो आ जाती हैं। जैसे यहाँ पर ये फ़ोटो आ गई है, या फिर इनमें से कोई और फ़ोटो लेनी हो तो हम उस फ़ोटो पर क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे। हम इस फ़ोटो पर जैसे ही क्लिक करते हैं ये फ़ोटो यहाँ पर आ जाती है। इस पर हमने जैसे ही क्लिक किया फ़ोटो तुरंत इंसर्ट हो गई। अगर हम यहाँ पर जो ड्रॉप डाउन एरो इसमें फ़ोटो में दिया रहता है इस पर क्लिक करें तो यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। वहाँ पर क्लिक ना करके अगर हम इंसर्ट में भी क्लिक करें तब भी क्या होगा, फ़ोटो वहाँ पर इंसर्ट हो जाएगी। जैसे हम यहाँ पर क्लिक कर दें तो दो फ़ोटो इंसर्ट हो चुकी हैं। यहाँ पर हमें ज़रूरत है सिर्फ़ एक फ़ोटो की, सो एक फ़ोटो को हम क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं यहाँ से। अब हम देखते हैं आगे। अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो लाइक भी कर दीजिए। अब हम यहाँ पर देखते हैं आगे कि जैसे हमें एक समस्या यहाँ से ये मिल जाती है कि फ़ोटो नहीं खिसक रही है। फ़ोटो ना खिसकने के लिए यहाँ पर हमें देखना होगा सेटिंग के अंदर क्या है। सो चलते हैं। जब हम फ़ोटो पर क्लिक करते हैं तो एक ऑप्शन यहाँ पर फॉर्मेट का मिल जाता है ऊपर। सो फॉर्मेट के ऑप्शन में जो अरेंज वाले ऑप्शन में अरेंज के अंदर मिल जाता है टेक्स्ट रैपिंग। टेक्स्ट रैपिंग के अंदर जब हम क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पर स्क्वायर में क्लिक कर देना है। स्क्वायर में हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो हालांकि ये जो डिज़ाइन बनी थी ये डिस्टर्ब हो गई है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, फिर से टेक्स्ट रैपिंग पर ही क्लिक करना है और यहाँ क्लिक करने के बाद बिहाइंड टेक्स्ट में क्लिक कर देना है। बिहाइंड टेक्स्ट में हमने जैसे ही क्लिक किया सब वापस से सही हो गया। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि फ़ोटो जो यहाँ पे स्क्वायर शेप में है इसको अगर सर्कल शेप में करना होगा तो कैसे करेंगे। पिक्चर शेप जो फॉर्मेट के अंदर ही एक ऑप्शन मिल जाता है पिक्चर शेप यहाँ पर। सो इसमें क्या करना है, पिक्चर शेप के अंदर जब हम क्लिक करते हैं तो जो सर्कल है सर्कल पर हमें क्लिक कर देना है, तो जो फ़ोटो थी वो सर्कल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाती है। अब हमें यहाँ से इसको अपने साइज़ के अनुसार जितना साइज चाहिए उतना इसको कर लेना है और रख लेना है अपनी जगह पर, इसको जहाँ पर उचित हो। अब हम इसमें देखते हैं कि इसमें एक बॉर्डर भी होना चाहिए, तो बॉर्डर के लिए ऑप्शन है पिक्चर बॉर्डर का। सो पिक्चर बॉर्डर पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं
अब यहाँ पे मिल जाते हैं कलर, किस कलर का बॉर्डर डालना है। सो कलर हम यहाँ से डाल सकते हैं, इसमें जो भी कलर डालना हो एक कलर हम यहाँ पर डाल लेते हैं। अब यहाँ पर हमने देखा कि पिक्चर पर हम बॉर्डर डाल चुके हैं, और जो अपने सर्टिफिकेट का जो बॉर्डर था वो भी लगा लिया, डिज़ाइन भी बना चुके हैं। अब हम यहाँ पर जैसे जो आपके इंस्टीट्यूट का नाम हो, इंस्टीट्यूट का नाम लिखने के लिए हमें जो डिज़ाइन में नाम लिखना पड़ेगा, सो उसके लिए हमें इंसर्ट में जाना पड़ेगा। इंसर्ट के बाद हम चलते हैं टेक्स्ट के अंदर, और टेक्स्ट में मिल जाता है वर्ड आर्ट। सो वर्ड आर्ट में हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो काफ़ी सारी डिज़ाइनें आ जाती हैं। इनमें से जिस डिज़ाइन में हमें नाम डालना होगा उस डिज़ाइन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर हम वर्ड आर्ट स्टाइल 4 में हम जैसे ही क्लिक करते हैं, यहाँ पर हमें नाम लिखना है, जो भी इंस्टीट्यूट का आपके नाम है वो नाम लिख दीजिए। जैसे हम यहाँ पर अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिख लेते हैं, तो नाम लिखने के बाद में क्या करना, आपको ओके कर देना, या फिर इससे पहले अगर आप फॉन्ट यहाँ पर चेंज करना चाहते हैं अपना तो फॉन्ट को भी बदल सकते हैं। जो भी फॉन्ट आपको सही लगे वो फॉन्ट लगा सकते हैं। जैसे यहाँ से हम एरियल लगा दें या फिर कोई दूसरा लगा के देखें, अगर शायद इसको देखें, हाँ ये भी सही है, एरियल ब्लैक। इसको हमने क्या किया, फॉन्ट में यूज कर लिया, और यहाँ पर हम इसको ओके कर देंगे। जैसे ही हम ओके करेंगे तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो हमारा नाम था वो काफ़ी लेंदी आया है, लेकिन इसको अगर हम छोटा करना चाहें तो होगा क्या, तो चलिए देखते हैं आगे। यहाँ पर टेक्स्ट रैपिंग के अंदर जब हम चलते हैं फिर से, क्योंकि यहाँ पर हमें क्यों जाना है, जो ये फ़ोटो या फिर जो टेक्स्ट आया है इसको भी हम नहीं उठा सकते हैं, जैसे फ़ोटो थी वैसे ही टेक्स्ट भी रहेगा। इसको उठाने के लिए टेक्स्ट रैपिंग में जाकर स्क्वायर में क्लिक करना है। स्क्वायर में क्लिक करने के बाद में अब हम इसको उठा सकते हैं। अगर हम इसको यहाँ पकड़ के अब छोटा करना चाहें तो हम छोटा भी कर सकते हैं। अब इसको रख लेते हैं हम इधर। यहाँ पर रखने के बाद अगर साइज़ हम बढ़ाना चाहें तो इसको पकड़ के थोड़ा सा ऐसे इनक्रीज कर दीजिए। अब जो फ़ोटो है, फ़ोटो को भी क्या करना है, जो एरो की थी, एरो की सहायता से थोड़ा सा खिसका लेना है। अब हम देखते हैं आगे और क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जब हम आगे देखेंगे तो यहाँ पर हम अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिख चुके हैं, प्लस लोगो लगा चुके हैं। अब हम देखते हैं नीचे, जैसे सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट, ये अगर लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे। अब यहाँ पर हम क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पर हमें लिख देना है सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट। ये हमने टाइप कर दिया। टाइप करने के बाद इसको क्या करना है, सेंटर में लिखना है। अब सेंटर में पेज के लिखने के लिए क्या करना है, पैराग्राफ वाले ऑप्शन के अंदर सेंटर का ऑप्शन मिल जाता है, या फिर इसकी शॉर्टकट है कंट्रोल ई। सो कंट्रोल ई को हम प्रेस कर देते हैं या फिर हम इसमें क्लिक कर देंगे। अब साइज़ हम इसका जितना हमें आवश्यक होगा उतना हम रख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट का साइज़ इस तरह से बढ़ा लिया। अब हम यहाँ पर इसको क्या करने वाले हैं, डिज़ाइन देने वाले हैं कुछ, जिससे कि थोड़ा अच्छा लगने लगे। तो हम यहाँ पर इसको कुछ इस तरह से डिज़ाइन दे देते हैं। यहाँ पर हमने यहाँ तक हम अपना सर्टिफिकेट है जो कंप्लीट कर चुके हैं। अब आगे हम क्या करने वाले हैं कि जैसे सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट के नीचे कुछ, जैसे किसके लिए सर्टिफिकेट है उसका नाम रहे, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर उसका नाम डाल देना है। नाम कुछ इस तरह से हमने ये नाम डाल लिया। अब नाम डालने के बाद में यहाँ पर भी एक स्टाइल देंगे जिससे दिखने में थोड़ा अच्छा लगे। तो यहाँ से क्या करना है, फॉन्ट हमें फिर से चेंज करना पड़ेगा। सो फॉन्ट हम इसका भी बदल चुके हैं। अब यहाँ पर जब हम नीचे देखते हैं तो नीचे चलने के लिए, अब जैसे किसको दे रहे हैं, किस लिए दे रहे हैं, नाम हम डाल चुके हैं। अब जैसे फॉर सक्सेसफुली कम्प्लीटिंग, तो यहाँ पर हमें दिखाना है फॉर सक्सेसफुली कम्प्लीटिंग। अब यहाँ पर जो ये फॉन्ट है इसको हम थोड़ा सा अलग कर लेते हैं जिससे देखने में थोड़ा सही लगे। अब यहाँ पर साइज इसका इतना बड़ा, इसको
इस तरह से रखते हैं जो ये साइज है। अब यहाँ पर जब हम नीचे देखें, कंप्लीटिंग हमने यहाँ पर सक्सेसफुली कंप्लीटिंग टाइप कर लिया। अब इसके बाद में हमें लिखना है कोर्स का नाम, जैसे डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये लिख दिया। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, जो कोर्स का नाम है इसका साइज़ बड़ा करना है, और साइज़ बड़ा करने के साथ में फॉन्ट इसमें दूसरा देना है। सो फॉन्ट हम यहाँ पर कोई ऐसा देंगे जो थोड़ा सा अच्छा लगे, जैसे ये हमने फॉन्ट लगा दिया इसमें। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि नीचे जो, जैसे किस डेट में हम दे रहे हैं, तो डेट हम यहाँ पर टाइप कर लेते हैं। अब डेट, जैसे कि हम अगर आज की ही डेट टाइप कर दें, तो यहाँ पर हम डेट को टाइप कर देते हैं, और जो फॉन्ट रहेगा फॉन्ट भी हम चेंज कर लेंगे इस तरह से। अब हम यहाँ पर देखते हैं जो कलर हम चेंज करने वाले थे, तो एक बार हम इन सबका कलर है जो कलर कॉम्बिनेशन सही से लगा लेते हैं। जैसे नो आउटलाइन, यहाँ पर आउटलाइन नहीं रखनी है, और इसका जो भी है फॉन्ट या फिर जो कलर वगैरह रहेगा हम चेंज करेंगे इसका। जैसे हमने क्या किया, इसमें ये कर दिया, और यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका फॉन्ट थोड़ा सा और सही लगा लेते हैं। जैसे अगर हम इसको फॉन्ट इसमें ये दे दें, और जो ऑफ है ऑफ का फॉन्ट भी क्या करते हैं चेंज कर लेते हैं इस तरह से। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें अंडरलाइन भी दे देंगे जिससे थोड़ी और अच्छा लगने लगे। अब हम यहाँ पर इसमें जो कलर होगा इसका भी कलर क्या करेंगे, कोई दूसरा कलर डालेंगे जिससे और सही लगने लगे। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, फॉर सक्सेसफुल कंप्लीटिंग, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, और यहाँ पर इसका भी हम कोई कलर दूसरा दे देते हैं। कलर इसमें हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे, और इसका साइज थोड़ा सा और घटा देंगे। थोड़ा सा घटाने के बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जो रिबन टाइप का कुछ बना देते हैं, जैसे जो सर्टिफिकेट में आपने अक्सर बना देखा होगा। तो यहाँ से हम चलते हैं अब इंसर्ट में, और इंसर्ट के बाद चलेंगे शेप्स के अंदर, और यहाँ पर हम देखते हैं अब कि जैसे एक सर्किल बनाएंगे। अब सर्किल को क्या करना है, अगर हम बिना किसी की सहायता से बनाएंगे तो इस तरह से ये बनेगा, अगर हम सिर्फ कंट्रोल को या फिर सिर्फ कंट्रोल की को प्रेस करेंगे तो इस तरह से बन सकता है, लेकिन अगर हम कंट्रोल के साथ में शिफ्ट भी दबा लें तो बिल्कुल ये राउंड शेप में ही बनेगा। अब हमें क्या करना है कि बना लेना है इसे। तो यहाँ पर इंसर्ट में चलने के बाद अब जो सर्किल और कंट्रोल और शिफ्ट के साथ में इसको बनाना है। तो यहाँ पर अभी ये बन नहीं पा रहा है, यहाँ पर क्या करना है, इसको इस तरह से छोड़ दो, ये सिस्टम प्रॉब्लम थी। अब यहाँ पर ये बन के तैयार हो गया, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसको इतना कर लिया। अब यहाँ पर हमें एक डिज़ाइन बनानी है जो कुछ इस तरह से रहेगी। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, कंट्रोल और शिफ्ट के साथ इसे भी बनाना है इस तरह से। अब यहाँ पर इसको बनाने के लिए हमें जो सर्किल बनाया था उसको ऊपर लाना है। सर्किल को ऊपर लाने के लिए इस शेप्स को पीछे भेजना पड़ेगा। तो फॉर्मेट में जब हम चलते हैं अरेंज में हमें टेक्स्ट रैपिंग के ऊपर मिल जाता है सेंड टू बैक। अब सेंड टू बैक में हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये पीछे जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो यहाँ पर क्या करना है, इसको ऐसे देख लेते हैं, सेंड टू बैक चला गया। अब हम एरो की सहायता से ही इसको जस्ट इसके बीचों बीच में सेट कर लेते हैं यहाँ पर। सो इस तरह से हम कर चुके। अब इनमें कुछ कलर दे देते हैं, जैसे मान लो हमने यहाँ पर ये कलर भर दिया, और आउटलाइन में कोई कलर नहीं देना है। अब यहाँ पर हम देखते हैं तो जैसे ग्रेडियंट फिल करना होगा इसी का, तो हम इस प्रकार से ग्रेडियंट को भी फिल कर सकते हैं।
तो इसमें से कोई भी कलर ले सकते हैं। और हम यहाँ पर कुछ ऐसे ग्रेडियंट फिल कर दिया। अब यहाँ पर पीछे वाले में भी कलर डालना पड़ेगा हमें। सो हम यहाँ पर इस तरह से कोई भी एक कलर ले लेते हैं और यहाँ पर जो आउटलाइन है इसकी नो आउटलाइन कर देंगे, जिससे आउटलाइन ख़त्म हो जाए। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ये नीचे जो फीता टाइप से कुछ बना रहता है उसके लिए कौन सी डिज़ाइन का प्रयोग करें। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं फिर से एक बार। यहाँ डिज़ाइन बनाने के लिए अगर हम देखें तो ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अब देखिए इसको हम कैसे यूज करते हैं। यहाँ पर इसको अब रोटेट करने के लिए हमने बताया था कि यहाँ इसको पकड़ के कुछ इस प्रकार से रोटेट कर लेना है। इतना रोटेट करने के बाद इसको यहाँ पर रख लेना है। और रखने के बाद अब इसमें क्या करना है, कलर दे देना है। और कलर देने के बाद हमें इसकी आउटलाइन हटा देनी है। आउटलाइन हटाने के बाद में इसकी ही एक कॉपी करनी है। और कॉपी करने के लिए हमने बताया था कंट्रोल दबा करके जो माउस का लेफ़्ट की रहेगा उससे पकड़ के दूसरी जगह छोड़ देना है। अब इसको भी क्या करना है, इस प्रकार से थोड़ा सा रोटेट कर लेना है। और इसे रोटेट करने के बाद यहाँ पर रख देना है। और यहाँ रखने के बाद कंट्रोल के साथ में जो सेकंड है, जो दूसरा वाला है, इस पर भी क्लिक करना है। फिर इनको पीछे भेज देना है, ऊपर अरेंज वाले ऑप्शन में सेंड टू बैक से। अब पीछे ये चले जाते हैं। अगर हम इनमें जो फिल कलर फिल है इसका जो ग्रेडियंट अगर चेंज करना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं इस प्रकार से। अब यहाँ पर रह जाता है जैसे डायरेक्टर सिग्नेचर कहाँ पर करेगा, तो शेप में जा करके लाइन बनानी है। अब सीधी लाइन बनाने के लिए हमें क्या करना है, शिफ्ट दबा करके लाइन को बनाना है। अब यहाँ पर हम लाइन क्या करना है, शिफ्ट दबा करके लाइन को बना देना है। सो इस प्रकार से हम लाइन को बना लेते हैं। ये यहाँ पर सिस्टम प्रॉब्लम कर रहा है। अब इसके नीचे लिखना है सिग्नेचर ऑफ डायरेक्टर। तो शेप्स में जा करके यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स लेना है। और टेक्स्ट बॉक्स लेने के बाद इसमें यहाँ पर लिखना है अंदर सिग्नेचर ऑफ डायरेक्टर। साइज चाहो तो थोड़ा सा बढ़ा लो। अब हम यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ डायरेक्टर, सिग्नेचर पूरा कैपिटल में नहीं लिखना है, सिग्नेचर ऑफ डायरेक्टर। अब यहाँ पर एक चीज ये मिल जाती है समस्या, आउटलाइन प्लस ये वाइट कलर। सो फॉर्मेट में हमें जाना है, शेप फिल में क्लिक करना है, नो फिल में क्लिक कर देना है, शेप आउटलाइन में जाना है, नो आउटलाइन में क्लिक कर देना है, साइज इसका थोड़ा सा बड़ा कर देना है और इसको खिसका करके इसके बीचों बीच में रख देना है। खिसकाना कैसे है, एरो की सहायता से हम इसको खिसका देते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि अपना जो सर्टिफिकेट था वो बन चुका है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अब सब्सक्राइब कर दीजिए और दूसरों के पास भी शेयर कर दीजिए, जिससे और लोग भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और आप लोग भी रिवीजन करते रहिए, जिससे आप लोग जो अगर आता है तो भूलो ना, और अगर नहीं आता है तो सीख लीजिए। अगर हम चाहें तो यहाँ पर इनका कलर भी चेंज कर सकते हैं। अब कलर चेंज करने के लिए फॉर्मेट आता है और ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब सो वीडियो को हम यहीं पर रोकते हैं।